जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं, जिसकी जिम्मेदारी इन्वेस्टमेंट को, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की है वो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, और जिनकी जिम्मेदारी दूसरे विभागों को संभालने की है वो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर पूरे के पूरे देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले में लेबर की समस्या नहीं है। आप देखते हैं ना किस तरह से फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं दूसरे प्रदेशों के अंदर, यहां पे दुनिया की जो कंपनीज हैं वो ये भी समझ रही हैं कि राजस्थान का लेबर इनेबलर है, लिमिटर नहीं है। यहां राजस्थान का लेबर पूरी तरह से सहमत। राजस्थान के नौजवान ऐसे हैं जो मजबूत हैं, धूप में तपे हुए हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, और राजस्थान के अंदर कंपनी लगाने से वो भी आगे बढ़ेंगे। एक पूरा माहौल, शांति प्रिय माहौल बनाने का, हमारा राजस्थान है भी शांति प्रिय, और उसको और बेहतर बनाना, कानून व्यवस्था और बेहतर करना, ये भी हमारे लक्ष्य के अंदर पूरी तरह से शामिल है। जो लोग बात कर रहे हैं, देखिए जो 4 साल के अंदर, जो अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट करें, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हों और उसका नतीजा कुछ नहीं निकले, सर्कस तो वो होता है। जो सरकार अपनी जिम्मेदारी यानी राजस्थान को अच्छी व्यवस्था देना, सुशासन देने की जगह बार बार 5 सितारा होटल में जाकर अपने आप को पुलिस से घेर ले, सर्कस तो वो होता है। जिस सरकार के मंत्री और बड़े सीनियर जो उनके एमएलएज हैं, वो विधानसभा में जब चर्चा हो रेप्स के ऊपर, बलात्कार के ऊपर, तो कहें कि हाँ राजस्थान नंबर वन है, जैसे कि कोई गर्व की बात हो रही हो, और पीछे अपने साथियों के को कहें कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, ठहाका लगा के उनके साथी हंसे, क्या वो सर्कस है या ये सर्कस है कि पहले ही साल चुनाव, केंद्र का चुनाव होने के बावजूद, केवल चार महीने के बावजूद हम ये संकल्प लें, हमें बीड़ा उठाएं कि कुछ भी हो हमारे को इन्वेस्टमेंट लेकर आना है, हमारे को आर्थिक मजबूती लेकर आनी है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम देखते थे सरकारों की तरफ कि कहीं कुछ तो करो। आज जब हम उस कुर्सी पर हैं तो हम ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। केवल बोलने से सर्कस नहीं होता, जो सर्कस बोल रहे हैं वो शायद सर्कस के आदि हो चुके हैं, इसीलिए उनको सर्कस याद आ रहा है। सर बड़ी इंडस्ट्री बहुत है यार, उन्हें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बना दी।